हेलो दोस्तों, आकाश टेक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी आईएएस 2019 प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो संभवतः जुलाई के दूसरे वीक में आने की संभावना है। तो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम विद प्रीलिम्स रिजल्ट ऑन द वे, हियर व्हाट्स आईएएस एस्पिरेंट्स शुड डू राइट नाउ। पहली बात तो ये दोस्तों कि जो इस बार की परीक्षा हुई थी वो 2 जून को हुई थी, आप सभी को पता है, और उसका जो है रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से आईएएस एस्पिरेंट कर रहे होंगे। अगर पिछले साल के रिजल्ट की बात करें तो वो रिजल्ट जो है 15 जुलाई को आया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार का रिजल्ट भी जो है जुलाई के सेकेंड वीक में आ सकता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्रीलिम्स रिजल्ट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड बाई मिड जुलाई। दोस्तों, मिड जुलाई को जो है बाय दिस सेकेंड वीक, सिमिलर टू लास्ट ईयर व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 15 जुलाई। तो दोस्तों, जो है यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स का रिजल्ट 15 जुलाई इस वीक में भी हो सकता है, इसी के आसपास ही आए। द टाइम पीरियड बिटवीन द प्रीलिम्स एग्जाम हेल्ड 2 जून को हुआ था, वही बात कर रहे हैं। द रिजल्ट डिक्लेयरिंग कैन गेट कंफ्यूजिंग ऑफ सम एस्पिरेंट हु मे नॉट बी श्योर अबाउट दियर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। दोस्तों, मेन बात ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो है जो एक्सपेरेंट इस बार परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा दिए हुए हैं प्रीलिम्स की, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया है कि अगर किसी का मार्क्स 100 मार्क्स से ज़्यादा है तो वो मान ले कि उसको जो है अभी से मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जो प्रोविजनल आंसर किसे मिलाया होगा वही दोस्तों उसी की बात कर रहे हैं हम। और यूपीएससी 2019 के इस प्रीलिम्स रिजल्ट को आशा करते हैं आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यूपीएससी के अपडेट के लिए आकाश टेक लर्निंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आप तक यूपीएससी से रिलेटेड हर जानकारी सही समय पर पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।